बात तो ऐसी है, पंजाब वाले और हरियाणा के किसानों ने कल अगर कुछ हल नहीं निकलता है, अभी मध्य प्रदेश और झारखंड ने तीसरा भी रास्ता बंद किया पलवल के पास, और कल कुछ हल नहीं निकलता है तो आगरा का भी रास्ता बंद हो जाएगा। हमारे महाराष्ट्र के भी और 10,000 का जत्था यहाँ पहुंच रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी फिर से ताकत से लड़ना पड़ेगा। मोदी जी बार बार बताते थे, हमारे यहाँ जब सभा चली थी लोकसभा चुनाव में, मोदी जी ने कहा था कि 50% मुनाफा लेके दाम मिलेगा, किसान के भी अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी 50% कहा गए तुम्हारे, कहा घूम गए हो मोदी जी? 50% मुनाफा से तो भाव मिलते नहीं, दाम तो मिल ही नहीं रहा, 15% से भी नहीं मिल रहा है, तो भी बोलते मोदी जी किसान के अच्छे दिन आ गए। अरे बुरे दिन कैसे होते वो तो भी बताओ। देखो सरकार कोई भी रहे, किसान को मैं एक विधि दे देता हूं, अगर तुम्हें मर्दांगे हो ना तो गेहूं निकाल के देखो। फिर गेहूं को भाव होना चाहिए 2500 रूपये। मध्य प्रदेश और हर सरकार, राज्य सरकार ने आवाज, राज्य सरकार ने सिफारिश जो की है 2500 रूपये भाव की, और केंद्र सरकार ने जाहिर किया है गेहूं के भाव 2,1950 रूपये, और गेहूं बेच रहा है 1400 रूपये पर क्विंटल के अंदर, 1000 रूपये का घाटा है पर क्विंटल के अंदर। एक किसान अगर 10 बोरे देता है खेती में तो 10,000 नुकसान है एक साल का, एक किसान का। कम से कम एक किसान तो 50 बोरे निकाल लेता है, साल में घाटा आया 50,000, और पीएम पैकेज से दे रहा है 6,000, कौन किसको दे रहा है? डाकू डाकू लोग होते हैं ना जो घर में आते हैं, चोर अलग होता है और डाकू अलग होता है। चोर क्या करता है? झपकट करता है, और डाकू क्या करता है पता है? वो घर में जाता है, तलवार लेता है, पूरा खींच लेता है, दो तीन दिन को मार देता है।